बी टाउन की किसी शादी ने फॉरेन डेस्टिनेशन की वजह से बनाई हेडलाइंस, तो किसी ने रॉयल पैलेस में अपनी शादी से मचाई धूम। पर राकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी की वेडिंग इको फ्रेंडली होने की वजह से क्रिएट कर रही है बज। यस, यू हर्ड इट राइट। 21 फरवरी को गोवा में होने जा रही राकुल और जैकी की वेडिंग का सबसे बड़ा हाईलाइट यही है कि ये वेडिंग होगी प्योरली एक इको फ्रेंडली वेडिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि एक शादी इको फ्रेंडली कैसे हो सकती है, तो हमारी ये स्टोरी आखिर तक देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। रिसेंटली राकुल और जैकी के वेडिंग इनवाइट की झलक हुई थी वायरल, क्योंकि वेडिंग कार्ड में नीचे लिखा था अब दोनों भगनानी। और अब सोर्सेस ने ये भी रिवील कर दिया है कि राकुल और जैकी की वेडिंग कैसे साबित होने जा रही है बी टाउन की एक यूनिक वेडिंग। दरअसल सोर्सेस की माने तो कपल ने डिसाइड किया है कि गोवा में होने वाली उनकी 3 days long वेडिंग फेस्टिविटीज होंगी टोटली इको फ्रेंडली। इसके लिए कपल ने फिजिकल इनवाइट को अवॉइड किया है, क्योंकि फिजिकल इनवाइट बनता है पेपर से और पेपर ट्रीज को कट करने के बाद बनाए जाते हैं। फिर दूसरी बात जो एनवायरनमेंट को ध्यान में रख कर प्लान की गई है वो है कि राकुल और जैकी की वेडिंग में क्रैकर्स बर्स्ट नहीं किए जाएंगे, मतलब बारात में नहीं होगी कोई आतिशबाजी। और तो और कपल ने कार्बन फुटप्रिंट और प्लांटेशन को भी वेडिंग फेस्टिविटीज में शामिल किया है। सोर्सेस की माने तो कपल ने कार्बन फुटप्रिंट एक्सपर्ट से भी हेल्प लेने का फैसला किया है, जो इस वेडिंग में जुड़ने वाले गेस्ट्स का कार्बन फुटप्रिंट मेजर करेंगे और ये बताएंगे कि वेडिंग में कितना कार्बन फुटप्रिंट जनरेट हुआ, और उसे कॉम्पनसेट करने के लिए कपल वेडिंग के बाद अपने हाथों से करेगा प्लांटेशन। बता दें कि गोवा में 19 फेब से कपल की 3 days वेडिंग फेस्टिविटीज स्टार्ट होने जा रही हैं, और अब राकुल और जैकी के फैंस को इंतजार है 21 फेब का, जब बी टाउन के इस ब्यूटीफुल कपल का ब्राइड एंड ग्रूम अवतार सबके सामने आ जाएगा।